वन डे, लेकिन जब तक नहीं है तब तक देसी हार्ले से काम चलाते हैं। लेट्स गो फॉर अ राइड। मंथ्स कि मैंने अपना बाइक नहीं चलाया था और आज बाइक चला के तो मजा आ गया। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज मनीषोरा हियर। आई होप आप सब ठीक हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं स्टार ट्रेल्स हम कैसे शूट करते हैं। स्टार ट्रेल्स एक लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी टेक्निक है जिसमें हम स्टार्स के पाथ को कैप्चर करते हैं। स्टार ट्रेल्स के लिए हमें सबसे पहले चाहिए स्टार्स, अपने भी और आसमान में भी। बैड जोक। सबसे पहले हमें चाहिए एक DSLR, एक वाइड लेंस, किट लेंस होगा तब भी चलेगा, एंट्री लेवल DSLR है तो तब भी चलेगा, एक ट्राइपॉड और एक इंटरवलोमीटर। इंटरवलोमीटर के बारे में मैंने अपने काफ़ी वीडियोस में जिक्र किया है। इन शॉर्ट, इंटरवलोमीटर एक डिवाइस होती है जिसमें हम फीड कर देते हैं कि हमें कितना लंबा एक्सपोजर चाहिए, कितने इंटरवल्स के बाद चाहिए और कितनी देर तक चाहिए। स्टार ट्रेल्स फोटोग्राफी के लिए हमें क्लियर स्काई चाहिए और मून बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मून होगा तो आपके ओवर एक्सपोज फोटोग्राफ्स आएंगे और स्टार्स बिल्कुल नहीं दिखेंगे। अब कोशिश करें कि आप शहर से दूर जाएं जहां पर लाइट पोल्यूशन कम हो और क्लियर स्काई हो, बादल भी ना हो। जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है तो आपको मैं ये एडवाइस नहीं करता कि कहीं आप पहाड़ों में जाके या कहीं दूर जाके स्टार ट्रेल्स की फोटोग्राफ खींचें। ना तो पोल्यूशन है और लाइट पोल्यूशन भी बहुत कम है, तो आप अपनी छत पर जाके स्टार ट्रेल्स ज़रूर ट्राई कर सकते हो। अगर स्टार्स आपकी नेकेड आई से नज़र आ रहे हैं तो कैमरा में उससे ज़्यादा अच्छी तरह नज़र आएंगे। क्लियर स्काई देखने के लिए मैं यूज़ करता हूँ लाइट पोल्यूशन मैप। ये एक एंड्रॉयड ऐप है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। इस ऐप की हेल्प से आप जिस लोकेशन में हो वहाँ पर किस एरिया में लाइट पोल्यूशन कम है आप इस ऐप की हेल्प से देख सकते हो। स्टार ट्रेल्स को शूट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है अपने शटर को ओपन रखें फॉर अराउंड 15 मिनट्स, 20 मिनट्स और मे बी एन आर। इसमें ये प्रॉब्लम है, अगर बाई चांस कोई शॉट खराब हो जाता है या आपका ट्राईपॉड हिल जाता है तो आपको ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। अगर आपने 30 मिनट्स का एक्सपोजर लिया है और इतना ही टाइम लगेगा कैमरा को उसे प्रोसेस करने के लिए। अगर आपने ज़्यादा देर के लिए शटर को ओपन रखा, कोई भी एम्बिएंट लाइट अगर होगी वो कैमरा में कैप्चर हो जाएगी, जिसमें चांसेस हैं कि शॉट्स ओवर एक्सपोज हो जाए। मैं ये मेथड प्रेफर नहीं करता। मैं प्रेफर करता हूँ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ मल्टीपल एक्सपोजर्स, यानी कि 20 या 30 सेकेंड के एक्सपोजर्स और छोटे छोटे इंटरवल्स के बाद, जो कि कम से कम 150 से 200 तक हों। जितने ज़्यादा शॉट्स होंगे उतना अच्छा स्टार ट्रेल्स की फ़ोटो बनेगी। अब हम कैमरा सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। शटर स्पीड कितनी होनी चाहिए वो मैं कैलकुलेट करता हूँ 500 रूल से। अगर आप फुल फ्रेम यूज़ कर रहे हो तो 500 रूल अप्लाई होगा, और अगर क्रॉप सेंसर बॉडी यूज़ कर रहे हो तो 300। अगर आपके पास माइक्रो फोर थर्ड है तो 250। 500 का रूल इसलिए है हमारी शटर स्पीड उतनी रहे जहां पर हमें स्टार सिर्फ एक डॉट की तरह मिले।
अगर वो स्ट्रीक्स आ रही हैं तो अपनी शटर स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। सपोज हमारी शटर स्पीड 30 सेकंड्स है और स्ट्रीक्स आनी शुरू होगी, हम उसे शॉर्ट कर सकते हैं, 25 सेकंड्स ट्राई कर सकते हैं। एक बार एक्सपेरिमेंट करके एक टेस्ट शॉट ज़रूर लें, हमें ये भी पता लग जाए कि हमारा लेंस फोकस अटेन कर भी रहा है या नहीं। जो आप फोकल लेंस यूज़ कर रहे हो, जैसे सपोज आप 16mm यूज़ कर रहे हो, जैसे मेरे पास 16-28mm लेंस है, तो 500/16 दैट कम्स आउट टू बी 31 सेकंड्स। और अगर आप क्रॉप सेंसर बॉडी में आप 18mm पे शूट कर रहे हो तो 300/18 दैट कम्स आउट टू बी 16.6 सेकंड्स। अपने कैमरा के हिसाब से और अपने फोकल लेंथ के हिसाब से 500 या 300 का रूल आप अप्लाई करके शटर स्पीड आप डिटरमिन कर सकते हो। एपर्चर आप जितना वाइड जा सकते हो उतना जाएं। ISO में स्टार्ट करता हूँ 800 से और 1000 तक हम जा सकते हैं। चाहे आपका क्रॉप सेंसर भी हो लेकिन हम इतनी नॉइस हम मैनेज कर सकते हैं। और फोकसिंग के लिए अगर आपके लेंस के ऊपर फोकसिंग विंडो है तो अपने फोकस रिंग को इन्फिनिटी मार्क के ऊपर लेके आएं। अगर आपके लेंस के ऊपर फोकसिंग विंडो नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको दूर में कहीं कोई लाइट नज़र आ रही है तो लेंस को मैनुअल फोकस में डाल के लाइव व्यू से उसको फोकस करें। या आप क्या कर सकते हैं, दिन के टाइम में किसी दूर के किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करके अपने लेंस के ऊपर मार्किंग कर दें ताकि आपको रात को फोकस हंट करने में प्रॉब्लम ना हो। मैं अपना कैमरा पॉइंट करूंगा नॉर्थ डायरेक्शन में, वहां पर नॉर्थ स्टार होता है, यही एक स्टार है जो अपनी जगह पे रहता है और बाकी स्टार्स उसके अराउंड रिवॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन में ही स्टार ट्रेल्स ले सकते हैं, हम साउथ में भी ट्राई कर सकते हैं या वेस्ट में भी ट्राई कर सकते हैं। जहां आपको लगे लाइट पोल्यूशन कम है और स्टार्स की डेंसिटी ज़्यादा है, हम उस डायरेक्शन में स्टार ट्रेल्स बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, बस पैटर्न डिफरेंट आएंगे। यू कैन ऑलवेज एक्सपेरिमेंट। और कॉम्पोजिशन के लिए फोरग्राउंड में कोई एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट रखें, कोई पहाड़ हो या कोई इंटरेस्टिंग एलिमेंट हो जो आपकी स्टार ट्रेल्स को डिफरेंट बनाए। हमारी कैमरा सेटिंग्स हो गई, कैमरा को ट्राइपॉड पर माउंट कर दिया, तो हम एक टेस्ट शॉट लेके देखेंगे। टेस्ट शॉट लेने के बाद इमेज को 100% तक जूम करेंगे और देखेंगे कि हमारे स्टार्स बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं या नहीं। अगर क्लियर नहीं आ रहे तो हम अपना फोकस दोबारा सेट करेंगे और एक्सपोजर को भी चेक करेंगे। अगर हमारे स्टार्स डार्क आ रहे हैं या स्टार्स हमें कम दिख रहे हैं तो हम अपनी शटर स्पीड को डिक्रीज कर सकते हैं, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ शटर ओपनिंग हम इंक्रीज कर सकते हैं या अपने ISO को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर हमारे स्टार्स बहुत ब्राइट आ रहे हैं या हमारे शॉट्स में एम्बिएंट लाइट बहुत आ रही है तो हम शटर स्पीड को शॉर्ट रख सकते हैं, ISO को भी डिक्रीज कर सकते हैं। अब हमारी कैमरा सेटिंग्स बिल्कुल ठीक है, हमारा टेस्ट शॉट भी ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक डार्क फ्रेम शूट करेंगे। अपना लेंस कैप लेंस के ऊपर डालो और जो हमारी सेटिंग्स है उसी सेटिंग्स में एक शॉट ले लो। इस शॉट से हम जो बाकी इमेजेस में नॉइस आएगी हम डार्क फ्रेम से उसे निकाल देंगे, वो मैं आपको पोस्ट प्रोसेसिंग में बताऊंगा। अपने कैमरा को बल्ब मोड में डालेंगे। अब हम अपने इंटरवलोमीटर में सेटिंग्स इनपुट करेंगे। सबसे पहले मैं डिले 4 सेकंड्स या 5 सेकंड्स का रखूंगा। डिले का मतलब होता है कि कितने डिले के बाद हमारा कैमरा शूटिंग स्टार्ट करेगा। उसके बाद मैं शटर स्पीड इनपुट करूंगा जो हमने 500 रूल या 300 रूल के हिसाब से निकाली थी। उसके बाद हमें कितना इंटरवल्स हर शॉट के बीच में चाहिए वो इनपुट करेंगे। मैं यहाँ पे 2 सेकंड्स का इंटरवल प्रेफर करता हूँ। उसके बाद हमें टोटल कितने नंबर ऑफ शॉट्स चाहिए वो इनपुट करेंगे। हम वो शॉट्स 150 या 200 रखेंगे। जितने ज़्यादा शॉट्स होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी स्टार ट्रेल्स की फ़ोटो बनेगी। अपनी बैटरी को चेक करते रहें, साथ में एक्स्ट्रा बैटरीज लेके जाएं। और अगर आप किसी ह्यूमिड एनवायरनमेंट में हैं अपने लेंस को भी बार बार चेक करते जाएं, क्योंकि कई बार वहाँ पर कंडेंसेशन हो जाती है। और एक लिंट फ्री लेंस क्लीनिंग क्लॉथ हमेशा साथ रखें, अगर आपको कंडेंसेशन लगे तो अपने लेंस एलिमेंट को साफ करते रहें। अब हमने ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली हैं, चलो पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं। सबसे पहले जो हमने फोटोग्राफ्स क्लिक की उसको हम लाइटरूम में प्रोसेस करेंगे और एक बेसिक एडजस्टमेंट करने के बाद जेपेग में कन्वर्ट करके एक फोल्डर में डाल देंगे। जो अब हम अगला सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं स्टार स्टैक्स, वो रॉ फाइल को रीड नहीं करता, इसलिए हमें लाइटरूम से रॉ को जेपेग में कन्वर्ट करके एक फोल्डर में डालना है।
हम ये सब फोटोशॉप में भी कर सकते हैं। सबसे पहले फोटोशॉप ओपन करेंगे, फिर जो हमारी फोटोग्राफ्स हैं रॉ फॉर्मेट में, उन सबको सिलेक्ट करके फोटोशॉप में ड्रैग कर देंगे और ये एडोबी कैमरा रॉ में ओपन हो जाएंगे। अब हम फर्स्ट फोटो को सिलेक्ट करके उसमें बेसिक एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे एक्सपोजर इंक्रीज करेंगे, इसका वाइट बैलेंस थोड़ा सा ब्लूश में लेके जाएंगे, यहां तक ठीक है, ओके। अब थोड़ी सी क्लैरिटी को इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा डीहेज स्लाइडर को राइट पे लेके जाऊंगा, इससे थोड़ा सा जो हेजीनेस है वो ठीक हो जाएगी। थोड़ी सी शेडोज का स्लाइडर राइट पे लेके जाएंगे एंड हाइलाइट्स थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे, लगभग ठीक हो गई है। ये बिफोर और ये आफ्टर, और उसके बाद हम लास्ट फोटो में जाएंगे, शिफ्ट को प्रेस करेंगे और सबको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर सिंक सेटिंग्स दबा के ओके को दबा देंगे। अब हमारी सारी फोटोज पे सेम सेटिंग्स अप्लाई हो गई और अब सारी फोटोज को सिलेक्ट करके इसको हम जेपेग फॉर्मेट में सेव करके एक फोल्डर में डाल देंगे। अब हम नेक्स्ट सॉफ्टवेयर यूज करेंगे स्टारस्टैक्स। स्टारस्टैक्स एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ स्टार ट्रेल्स की फोटोग्राफ बनाने के लिए ही बना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टारस्टैक्स ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से हम इमेजेस यहाँ से भी हम ड्रॉप कर सकते हैं या सीधा इमेजेस को सिलेक्ट करके यहाँ पर हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो हमने जो सारी फोटोज खींची हैं इसमें से हम ब्लैक फ्रेम को सिलेक्ट नहीं करेंगे, बाकी सारी फोटोग्राफ्स को हम ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद जो स्टार्टिंग में हमने ब्लैक फ्रेम शूट किया था, इस सेकंड ऑप्शन में ओपन डार्क फ्रेम है, इसको हम ओपन करेंगे और ब्लैक फ्रेम को सिलेक्ट कर देंगे। इससे जो हमारे इमेजेस में नॉइस होगी वो नॉइस निकल जाएगी। उसके बाद ये जो गियर वाला आइकॉन है इसको सिलेक्ट करेंगे। ब्लेंडिंग में गैप फिलिंग जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इसी को सिलेक्ट करेंगे। इस चेकबॉक्स को हम टिक कर देंगे, सब्सट्रैक्ट डार्क इमेजेस। और उसके बाद ये जो फोर्थ आइकॉन है स्टार्ट प्रोसेसिंग, इसको प्रेस कर देंगे। अब हमारे सॉफ्टवेयर ने इमेजेस को प्रोसेस कर दिया है। जो हमने गैप फिलिंग ऑप्शन सिलेक्ट किया था इसकी ऑप्शंस अब सामने आ गई। तो थ्रेशोल्ड हम और ये वहाँ रखना कि ग्रीन सिर्फ हल्का सा यहाँ नीचे हो जहाँ हॉराइजन है, और ये अमाउंट है हमने कितना गैप हमने फिल करना है एंड दैट्स इट। और अगर कुछ लगे कि हमें गैप ज़्यादा आ गया है या कुछ प्रॉब्लम आ गई है या उसमें कोई ब्राइट फ्रेम्स हैं, उन ब्राइट फ्रेम्स को हम सिलेक्ट करके यहाँ से अनचेक कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा से प्रोसेस करके फाइल को सेव कर लेंगे। ये जो थर्ड ऑप्शन है इसको हम क्लिक करेंगे सेव एज डेस्कटॉप पे एंड सेव, और हमारी फ़ोटोज़ कुछ ऐसी दिखेंगी। होप
यू लाइक दिस वीडियो, अगर कुछ नया सीखा है तो गिव अ थम्स अप, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मेरे को फॉलो करें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।